बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? मीरा जी, आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से अपने अपने घरों में खुश और बाश होंगे। व्लॉग का आगाज़ ही मैंने किया है, तकरीबन सुबह 8:30 बजे का ये टाइम है और मैं और बच्चे जा रहे हैं बच्चों की नानी अम्मी की तरफ, जो के थे 22 रजब, मतलब कि कुंडे का ख़त्म दिलाते हैं मेरी अम्मी। तो उन्होंने मुझे रात को ही कॉल कर दी थी कि सुबह आ जाना है आपने। मैंने कहा चलें ठीक है, हम आ जाएंगे। और ये इतना मज़ा आ रहा था ना सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, मेरा तो दिल कर रहा था मैं ना ज़रा लॉन्ग ड्राइव पर चली जाऊँ बाइक पर हस्बैंड के साथ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है जी। उन्होंने ड्यूटी पर जाना था, मैंने भी अम्मी घर जाना था, तो ये काम तो नामुमकिन था। खैर, हौसला हिम्मत कभी मत छोड़ें, अपने काम पर फोकस करें, कामयाबी कदम जरूर चूमेगी एक दिन आपके। आदि, आदि कहाँ जा रहे हो? आदि कहाँ जा रहे हो? बताओ कहाँ जा रहे हो? नहीं आना उसने। नान और हलवा बांटना था बच्चों ने, गली में मोहल्ले में देना था। और जी हलवा हो गया, वाला ठंडा था, अब तक गरम गरम जो होता है ना मुझे बहुत मज़े का लगता है। खैर, इसके साथ ही अम्मी ने ना बच्चों को डाल के देना शुरू कर दिया। रुहान अहमद कह रहा था कि भाई मैंने ही देने जाना है और किसी ने नहीं देने जाना, लेकिन फिर मैंने इसको समझाया, मैंने कहा नहीं बेटा, सब ने मिल के जाना है, इतने घर हैं, बारी बारी डिवाइड होके आपस में ना, तो फिर आप देने जाओ ना। इनको अलग ही शौक होता है चीज़ बांटने का, घर में देने का, खुशी अलग होती है बच्चों की। मैं पकड़ाती हूँ, नीचे उतरो नूर, आप ऊपर दे आओ, अम्मी ना नानी अम्मी आपको पकड़ाती हैं। चल चल चल, इधर मैं बताती हूँ शजी, अभी साथ है वो, जाओ इधर अंदर जाओगी ना तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चली जाना, आराम से ध्यान से जाओ, वो उस तरफ से रास्ता खुला है, आराम से आराम से आराम से गिर जाओगे सीढ़ियों से, बहुत खुश हो, सीढ़ियों से आओ। चलो, किसकी लड़की ने? वो लड़की ने। कौन सी? इसका ग्रीट करना। अच्छा चलो अंदर आओ। ये जी सबके घरों में तकरीबन हमने दे लिया था, और एक घर रहता था उस घर में मैं बच्चों के साथ गई, क्योंकि घर में ना घर ज़्यादा थे तो इसलिए मैं फिर इनके साथ गई थी। फिर वापस आए हैं, मम्मा ने चने मंगवाए हुए थे बाज़ार से, फिर हमने नान चने और हलवे का किया नाश्ता। और फिर जी उसके बाद तकरीबन मैं दोपहर तक अम्मी के घर ही थी, और लेकिन मैंने कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा पैकेज नहीं था नेट का, इस वजह से ये भी बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड हुआ, मैं हैरान थी कि हो कैसे गया। फिर ये था कि मैं और मेरा बेटा हम आगे थे घर, और महानूर थी अभी नानी अम्मी की तरफ ही, उसका दिल नहीं था, वो रात को 8 बजे आई थी। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहा करें, अल्लाह हाफिज़।